दोस्त आपका भाई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीडीसीपी मोटेल ननकाना साहब, और ये एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आइए मैं आप लोगों को इस टीडीसीपी मोटेल ननकाना साहब का विजिट कराता हूँ। ये इनका ही जो साइन बोर्ड है टीडीसीपी मोटेल ननकाना साहब, वजीर आला ने जी इस जनाब सरदार उस्मान बुजदार साहब ने इसका इफ्तिताह किया था बरोज़ जुम्मा 12 जुलाई 2019 को टूरिज़म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन पंजाब की तरफ से। आइए अब हम अंदर चलते हैं और अंदर जाके, अंदर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब मैं अब आप लोगों को बहुत खूबसूरत सी जगह दिखाने वाला हूँ। ये लिखा है वेलकम जी, ये इधर वेलकम जी आया हूँ, पंजाबी में बोलते हैं, इंग्लिश में वेलकम बोलते हैं और उर्दू में खुश आमदीद बोलते हैं। और ये बहुत ही वंडरफुल सा इस तरह साइंस से बनाया हुआ है, और ये यहाँ के जो है कल्चर को भी, लैंग्वेज को भी प्रमोट कर रहे हैं। और ये जो जगह है ना, बिल्कुल पंजाबी तर्ज का है, बहुत ही पंजाबी कल्चर इन्होंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। आइए इस वक्त हम टीडीसीपी मॉडर्न ननकाना साहब के अंदर आ चुके हैं, और अब अंदर का जो मैं आप लोगों को एक हॉल दिखाने जा रहा हूं, और यहां के लोगों से मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं। आइए आप इसका आर्किटेक्चर देखें, कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने आर्किटेक्चर बनाया है। ये इनका रिसेप्शन है, ये है मोहम्मद अब्बास भाई। आप जब भी यहाँ आएंगे तो मोहम्मद अब्बास भाई से आपकी मुलाकात होगी। इसके बाद आप जाते हैं काउंटर। अच्छा आइए मैं आपको टीडीसीपी मोटेल ननकाना साहब के मैनेजर से मिलवाता हूँ, और उनसे इस जो जगह है इसके हवाले से उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। आप यहाँ के मैनेजर हैं? हाँ मैं मैनेजर हूँ। अच्छा सर, ये इसके जो आर्किटेक्चर है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मज़ेदार है, बिल्कुल पंजाबी जो कल्चर है उनको आपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। और मैंने बाहर जो आपने वेलकम का साइन किया है, मतलब बिल्कुल पंजाबी लैंग्वेज को जो यहाँ होकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर ये जो आर्किटेक्चर के डिज़ाइन और ये आइडिया जो है, ये यहाँ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब ये यहाँ के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ? ये बेसिकली आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडर एक्सपेक्ट में लेते हैं ना, तो आप इसको पहले तो ये क्योंकि सिटी आते हैं यहाँ पे आते हैं, ये सिक्स स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट है यहाँ पे जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए, बड़े बड़े पिलर्स और ये कलर चल रहे हैं, ये सिखों के पोर्ट्रेट करती है, उसी चीज़ को मद्देनजर रख के नहीं डिज़ाइन किया। अच्छा ये इन्होंने सिख यात्री जितने भी ये फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, इंडिया से आते हैं, हॉलैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी आते हैं, तो ये उन लोगों ने, इन लोगों ने इन उन लोगों के लिए उनका जो आर्किटेक्चर है वो इम्प्लीमेंट किया है। आइए इनके जो और जो चीज़ें हैं जो बहुत मज़े मज़े की और खूबसूरत है उनका भी विजिट करते हैं। ये इनका रेस्टोरेंट है, इसके अंदर ये मेज़ें वगैरह लगी हुई है, कुर्सियाँ। अच्छा ये जी गुरु नानक बाबा जी का जो फोटो लगा हुआ है, और यहाँ जितने विजिटर आते हैं तो वो इस जो विजिटर बुक है इसके अंदर वो लिखते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। हम भी इंशाल्लाह जब यहाँ से जाएंगे तो अपने सजेशन और अपनी कम्प्लीमेंट जो है इस विजिटर बुक में लिखेंगे। और ये एक हिस्ट्री भी लिख जाता है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छा साइन होता है। तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत खूबसूरत ये चीज़ बनाई। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये भी ओपन हो
जाएगा और यही हम काम करने वाले हैं। इधर एक और बहुत खूबसूरत सी चीज़ है जिसने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, आइए वो भी देखते हैं। को रूम्स दिखाऊंगा कि यहाँ रूम कैसे हैं। ये है रूम नंबर 15 एंड यू कैन चेक इट आउट, हाउस ब्यूटीफुल रूम। लेट मी शो यू द वॉशरूम, आप वॉशरूम भी देखें। वॉशरूम भी बहुत ही इन्होंने खूबसूरत फैसिनेटिंग लाविश बनाया है, वेयर यू कैन गेट एवरीथिंग दैट यू नीड। एंड देन फाइनली आई पैक माय ऑल ऑफ बैग्स एंड आई एम लिविंग दिस रूम, दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और अब मैं इस्लामाबाद के लिए दोबारा रवाना हो रहा हूँ। मैं आप लोगों को दिन के वक्त मनाजर दिखाता हूँ। हाउ इज़ दिस ब्यूटीफुल प्लेस, ये आप देख सकते हैं। रात को तो फवारा भी चल रहा है, यस फवारा आर सो वर्किंग एंड यू कैन सी इन माय हैंड दिस इज मीठा प्रसाद, सम स्वीट। And these and ये मीडिया वाले हैं और ये जनाब। अच्छा मैंने आपको कॉन्फ्रेंस रूम नहीं दिखाया था इस वीडियो में, लेट मी शो यू द कॉन्फ्रेंस रूम। दिस इज द कॉन्फ्रेंस रूम एंड आई एम लिविंग। This is the door. So this is the time to say goodbye. और वो है हमारी गाड़ी, अब हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। That's what.